The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Unfortunately, abhi bhi dengue bahut hi tezi se बढ़ रहा है और बहुत सारे केसेस इतने आ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, इमरजेंसी में बेड नहीं, कहीं बेड नहीं मिल रहा. तो डेंगू पे हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं और उस पर कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, हम रिप्लाई भी कर रहे हैं. उस पर एक कमेंट था कि डेंगू से मौत क्यों होती है, व्हाई पीपल डाई बिकॉज ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस. और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो को, और ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप उसको समझ सकें. डेंगू के अंदर वायरस आपके शरीर में जाता है डेंगू का, और ये वायरस आपके शरीर के अंदर खुद भी डैमेज करता है, और आपका इम्यून सिस्टम जब इसके साथ मिलके आपके शरीर के अंदर डैमेज करने लगता है, बेसिकली ऑटो एंटीबॉडीज, आपके एंटीबॉडीज और जो साइटोकाइंस, उन दोनों की मदद से. ये प्रोसेस हमने पहले समझाया हुआ है. आज जो बताना जा रहा हूँ कि इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं. अगर ये रिएक्शन बहुत हैवी होता है, अगर आपके अंदर पुराना डेंगू है, सेकेंड वेव, सेकेंड टाइम आपको डेंगू हो रहा है, और ये दूसरा डेंगू वायरस है, डेंगू के चार प्रकार के वायरस है, दूसरे टाइप का अगर वायरस है, तो आपके अंदर रिएक्शन ये बहुत हैवी हो सकता है, और उस केस में आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं. कॉम्प्लिकेशन आपके पांच प्रकार से हो सकते हैं. डेंगू हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्यादा सिवियर डिहाइड्रेशन करे, उसके वजह से आपको शॉक हो सकता है, आपका लिटरली ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. ये पहला और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन डेंगू शॉक, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाना बहुत बड़ा, वो उसके वजह से जान जा सकती है. सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर ना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, वहां पे डैमेज रिकवर नहीं होगा, वहां पर जो और ब्लड के अगर मान लीजिए एंटीबॉडीज पहुंचने हैं डेंगू के लिए, उसको वायरस को मारने के लिए, वो नहीं पहुंचेंगे. सो बहुत सारा डैमेज केवल ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हो जाता है. इसीलिए डेंगू में आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए बोया जाता है, और हॉस्पिटल में भी भर्ती होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिक्विड्स, फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं. तो शॉक एक बड़ा कारण है. इसके अलावा कारण आपके लंग्स, आपके आपके हार्ट, आपके ब्रेन, आपके लिवर, ये चारों ऑर्गन्स को वो अफेक्ट कर सकता है. आपके लंग्स के अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यहां पर आप सब जानते हैं डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, क्योंकि वो वायरस भी और हमारा इम्यून रिएक्शन भी प्लेटलेट्स को डैमेज करता है, और प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं, और बहुत कॉमन है डेंगू के अंदर पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी हीमोरेजेस होना, वहां पे लंग के अंदर ब्लीडिंग होती है. कई बार थूक में, बलगम में खून या ब्राउन कलर का, ब्राउन लाल रंग का, ब्राउनिश कलर का बलगम आने लगता है, और एक्सरे में आपको या सीटी स्कैन में आपको क्लियर कट दिख जाएगा लंग्स में ब्लीडिंग हो रही है. ऐसे पेशेंट को सांस में दिक्कत होगा, वहां पे ब्लीडिंग के साथ पानी भी भरेगा, पल्मोनरी एडिमा भी होगा, और ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसा पिक्चर आ जाएगा लंग डैमेज होने का. इसके अलावा डेंगू में एनसेफेलाइटिस हो सकता है, आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन जा सकता है, ब्रेन के अंदर दिक्कत हो सकती है, और ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को दौरा पड़ सकता है, सीजर आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और बेहोश हो सकता है पेशेंट, बौखलाया बौखलाया उल्टी सीधी बातें कर सकता है. सो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एनसेफेलाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है. सो ये ब्रेन की बात हुई. थर्ड, आपके लिवर में डैमेज हो सकता है डेंगू की वजह से, लिवर के अंदर हेपेटाइटिस जैसे फीचर आ सकते हैं, लिवर के एंजाइम्स बहुत बढ़ सकते हैं. लिवर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ब्लीडिंग का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि लिवर जो है ना सिर्फ प्लेटलेट अकेले ब्लीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्लेटलेट क्लॉट बनाते हैं जो ब्लीडिंग रोकते हैं, लेकिन लिवर के अंदर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो रुकने में मदद होती है. अगर वहां पे प्रॉब्लम लिवर के अंदर प्रॉब्लम होता है तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, APT INR, ये जो ब्लीडिंग वाले हमारे पैरामीटर्स हैं बढ़ सकते हैं. क्लॉटिंग वाले पैरामीटर्स प्रॉब्लम आती है तो ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल, और जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है. हेपेटाइटिस की वजह से उल्टियां आ सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, और हेपेटाइटिस वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन आ जाता है इसके अंदर ये. उसके बाद में हार्ट के अंदर मायोकार्डाइटिस हो सकता है. जी हाँ, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट की मसल कमजोर हो सकती है डेंगू के वजह से. जी हाँ, मायोकार्डाइटिस, और हार्ट के आसपास पानी भी आ सकता है, हार्ट के आसपास पानी आ सकता है जिसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं. लंग के आसपास पानी आ सकता है, प्लूरल इफ्यूजन, पेट में पानी जमा हो सकता है, साइटिस, लिवर, लंग, हार्ट, ब्रेन, ये सारी चीजें एक साथ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं. और अल्टीमेटली अगर इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, साथ में पेशेंट को शॉक हो गया पहला वाला, यानी बीपी कम हो गया, बीपी बहुत कम है, तो पेशेंट का ब्लड ही सर्कुलेट नहीं होगा, ना दवा पहुंचेगी, ना न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ना वहां सफाई होगी, ना वहां रिकवरी होगी, और पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो लंग्स डैमेज हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और अंदर
ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग तो हो सकती है, साथ में क्लॉट्स भी बन सकते हैं. जी हाँ, कभी कभी पेशेंट के अंदर क्लॉट्स भी बन जाते हैं डेंगू वाले पेशेंट्स में, तो ये बात भी सच है. सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन में से किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट की डेथ होने का रिस्क होता है. इसीलिए ऐसे पेशेंट जिनमें कोई भी हीमोरेजिक टेंडेंसी दिख रही है, जो साइंस हमने अपने पुराने वीडियो में आपको समझाए थे, ऐसे हीमोरेजिक टेंडेंसी वाले पेशेंट को एडमिट कर लेना बहुत अच्छा होता है. बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट लो हो रहे हैं, 40,000 से नीचे जा रहे हैं, तो पेशेंट को एडमिट कर लेना अच्छा होता है और प्लेटलेट चढ़ा लेना बेटर होता है. इसके अलावा बहुत ही ज्यादा शॉक सिंड्रोम में जाने के बाद पेशेंट्स पे फिर उसके बाद दूसरी दवाइयां, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाइयां, और कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के वजह से पेशेंट की जान जाने में खतरा होता है. तो डेंगू को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए. आप पानी खूब सारा अपने तरफ से पी सकते हैं. जो बेसिक इलाज है, बेसिक कारण है, वायरस के प्रकार क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सारी जानकारी हमने पहले वाले वीडियो में दी हुई है. पूरे प्लेलिस्ट को ढंग से देखिए और अच्छे से शेयर करिए. जितने लोग देखेंगे उतने लोग बचेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.